पर हैं आपको चेक कराता हूँ। दो नंबर पर हमारा अग्निशन पर यहाँ पर करंट आ रहा है, एक नंबर पर हमारा ग्राउंड आ रहा है, ये दोनों वायर। आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल फतह। मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं, टोयोटा एवालोन है जी, एवालोन हाइब्रिड है 2015 मॉडल। गाड़ी में आप देख रहे हैं जी चेक इंजन लाइट ऑन है और कस्टमर कंसर्न ये कि इसका जो हीट वाली गेज है ये एक मरतबा फुल हुई थी और बाद में गाड़ी बंद हो गई और बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो गाड़ी की चेक इंजन लाइट ऑन है, ये आप देखेंगे तो डायग्नोज की हुई है जी मैं सारी गाड़ी को। यहाँ पर जो एरर आ रहे हैं वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। एरर इसमें देखेंगे कूलेंट पंप बी सर्किट परफॉर्मेंस स्टक ऑफ। यहाँ पर जी यहाँ पर भी चेक करेंगे तो इंजन कूलेंट पंप बी कंट्रोल माल फंक्शन बी सॉरी P261B और यहाँ पर भी ये सेम ही तीनों मरतबा एरर आया और सेम ही एरर है P261B कूलेंट पंप बी कंट्रोल सर्किट परफॉर्मेंस टक ऑफ, ये एरर है जी इसमें। और ये सनरूफ का ये एरर हमारा मेन है जिस वजह से हमारी गाड़ी का जो हीट वाली सुई है वो फुल आगे चली जाती है और गाड़ी प्रॉब्लम करती है और गाड़ी फिर में चलने चलते बंद हो जाती है और फिर स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, ये इसमें इशू है। अभी गाड़ी ईवी पर है, यहाँ पर आप देखेंगे हाइब्रिड पर अभी तो गाड़ी आवाज़ नहीं कर रही। जैसे मैं इसको रेस दूंगा तो ये हाइब्रिड बंद हो गया, यहाँ से हाइब्रिड बंद हो गया और हमारा आवाज़ आना शुरू हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वाटर पंप आता है। तो उसको कैसे चेक करते हैं वो आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। आपने जाना है और दो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको चेक करने के लिए। एक आपने इलेक्ट्रिक वाटर पंप और दूसरा टारगेट स्पीड, यहाँ पर ओके करेंगे तो देखें ये टारगेट स्पीड है, ठीक है। अभी गाड़ी ईवी पर है, इलेक्ट्रिक पर है तो इसको अभी जीरो है, टारगेट बिल्कुल दे नहीं रहा कंप्यूटर, लेकिन वाटर पंप यहाँ पर स्पीड है वो जीरो है। जैसे मैं इसको रेस पेडल प्रेस करूँगा रेस दूंगा तो यहाँ पर देखेंगे 1950 इसको वोल्ट चाहिए आरपीएम, लेकिन यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक वाटर पंप के वोल्ट जो है वो स्पीड है आरपीएम है वो जीरो आ रहे हैं, यानी इट्स मीन कि हमारा इलेक्ट्रिक वाटर पंप जो है वो काम ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा। तो करेंगे क्या हम, ये आर जी टोटा एवालोन हाइब्रिड 2015 मॉडल, तो अब करेंगे हम क्या करेंगे हम ये जी कि इस एरर को अपने सिस्टम में चेक करेंगे और इसकी वायरिंग वगैरह आप चेक करेंगे, अगर सब कुछ ओके हुआ तो फिर हमारा जो वाटर पंप है कूलेंट इलेक्ट्रिक वाटर पंप वो हमारा ख़राब हो चुका है इस गाड़ी में, फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो अभी गाड़ी आप देखेंगे ईवी मोड पर भी है और हाइब्रिड भी है, ठीक है, गाड़ी अभी रेडी है। रेडी इट्स मीन के आप गो टू ड्राइव, आप गियर लगाएंगे तो गाड़ी आपकी ड्राइव करेगी, लेकिन जैसे ही वो इंजन पर जाएगी तो आपकी जो हीट है ये वाली ये ज़्यादा ऊपर चली जाएगी क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक वाटर पंप है वो काम नहीं कर रहा और सर्कुलेशन पानी की नहीं होगी तो फिर हमारी गाड़ी ऑब्वियसली प्रॉब्लम करेगी। तो चलते हैं जी सिस्टम पर और आपको चीज़ें चेक कराता हूँ। हमारी गाड़ी है टोयोटा एवालोन 15 मॉडल हाइब्रिड, ये इसका कन्वर्टर वगैरह इलेक्ट्रिक लगा हुआ है और ये हमारे वाटर पंप लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है ये और एक ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमारा किसका एरर आ रहा है। मैंने अपने सॉफ्टवेयर पर इसको ओपन किया है, जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लॉन्च सॉरी ये ऑल डाटा ऑनलाइन है और इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो 10-15 मिनट की वीडियो है, वो मुकम्मल देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी क्या प्राइस है और आप कैसे इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वो लोग ले जो काम करते हैं इसका, जो इंटरेस्टेड है, ये ना हो कि सिर्फ चस्काबाजी चस्का पार्टी जो है ना इसे दूर रहे, बहुत मेहरबानी इसकी, क्योंकि बाद में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैसेज करके बंदे गायब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना काम करें। जिस सप्लायर का नंबर दे रहे हो तो उसे बात करके उसी वक्त लें, ठीक है, अपना फाइनल डिसीजन करके लें। तो अक्सर स्पीड का पूछते हैं, स्पीड इसकी आपके इंटरनेट पर होती है, जैसा आपका इंटरनेट होगा उसी उस स्पीड से ये काम करेगा, ठीक हो गया जी। तो एक बात और, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को लाइक करने में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, आपको वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। हमें पता चलता है कि कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियो में, जिनके लिए हम वीडियोज़ बना रहे हैं, तो फिर इस तरह की वीडियोज़ हम कंटिन्यू करें इसको बनाते हुए, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, थैंक यू। अभी चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। हमारा जो एरर आया हुआ था वो ये है जी, इंजन कूलेंट पंप बी कंट्रोल माल फंक्शन P261B, ये हमारा एरर है। यहाँ पर चेक करेंगे जी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप लाजमी पढ़ा करें कि ये एरर आ किस वजह से रहा, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगी कि एरर किस वजह से आ रहा है तो आप फॉल्ट तो अक्सर सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आती कि यार ये आते क्यों इस तरह का फॉल्ट। द ACM कंट्रोल इंजन वाटर पंप असेंबली बाय द कैलकुलेटिंग द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कूलेंट
फ्लो बेस्ड ऑन द इंजन। मतलब ये है कि जैसे गाड़ी चलती है तो वो कैलकुलेट करते हैं ECM कि गाड़ी की स्पीड क्या और इंजन की क्या स्पीड है, और फिर उसको वाटर पंप को वो ECM कंट्रोल करता है उसका सिग्नल भेज कर। ठीक है, ड्यूटी साइकिल, यहाँ पर एक चीज़ आ रही है ड्यूटी साइकिल सिग्नल फ्रॉम सेंट फ्रॉम ECM। ये ड्यूटी साइकिल मैं पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये सारी जितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं मतलब हर गाड़ी में ये सारा सिस्टम आता है, तो BMW पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये ड्यूटी साइकिल सर्किट जो है वो काम करते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं जी आगे। ये हमारा एरर है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रबल एरिया आता है इसमें आप देखेंगे तीन ही चीज़ें आ रही हैं, ओपन एंड शार्ट इंजन वाटर पंप है, असेंबली सर्किट है, इंजन वाटर पंप असेंबली। ठीक है, इसका सर्किट है, सर्किट में उसकी वायरिंग आ सकती है उसमें, या उसका पंप आ सकता है, ECM आ सकता है। तो फिर हमने क्या करना जी, हमने चीज़ें चेक करनी है, तो चीज़ें कैसे चेक करनी है वो हमारे समझ आएगी जी जब हमारे पास सर्किट डायग्राम आएगी। ठीक है जी, ये सर्किट डायग्राम आ चुकी है, यहाँ पर हमारा ECM है, ये हमारी इंटीग्रेशन रिले है, यहाँ पर हमारा इंजन कूलेंट वाटर पंप असेंबली है। ठीक है जी, यहाँ पर दो वायरें हमारी आ रही हैं जी इससे ECM से आ रही हैं, एक वायर जो इसके चार नंबर पर ग्राउंड है, और हमारी यहाँ पर तीन नंबर पर हमारा B+ है, यानी पे इसमें पॉजिटिव करंट आती है जी। ठीक है जी, तो ये हमने अपनी सप्लाईज वगैरह यहाँ पर चेक करनी है और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर उसकी चीज़ें और भी लिखी होती हैं, लेकिन वो अगर मैं वो सारी बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत से दोस्तों एक मिनट से ऊपर वीडियो देखते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत गुरुस्ताद है, तो वो समझते हैं कि हमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसलिए वो छोड़ जाते हैं। तो हमें इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम मैं आपको फिर चेक कराता हूँ अभी इसका प्रैक्टिकली हमें क्या करंट वगैरह सप्लाईज वगैरह चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो डायग्राम के बाद जो आता है वो आता है आपकी डायग्नोस्टिक स्किल पर, कि आप इसको पावर सप्लाईज आप सारी चेक करें और अपनी वायरिंग जो है उसकी तसल्ली करें, और बाद में कस्टमर को गारंटी दें किसी भी चीज़ की जो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा कनेक्टर है और ये हमारा कूलेंट वाटर पंप इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप ये भी लगा हुआ है। यहाँ पर चार वायरें हैं, इसकी दो ECM से आ रही हैं और दो हमारी जो है वो प्लस माइनस की वायरें हैं। यहाँ पर जी मैं अपना जो टेस्टर इस्तेमाल करूँ, ये ओटल का पावर स्कैन है, यहाँ पर आप इसको इंटरनेट पर गूगल भी कर सकते हैं। ये ग्राउंड आ रहा है चार नंबर पर ग्राउंड आ रहा है, तीन नंबर पर कोई चीज़ नहीं है। मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा और आपको इसकी सप्लाईज चेक कराऊँगा। यहाँ पर जी इग्निशन मेरा गाड़ी का ऑन है, ये आप चेक कर रहे हैं। इग्निशन ऑन करने पर हम तीन नंबर पर अपना करंट चेक करेंगे जो कि आ रहा है। अब ऊपर वाली दो वायरें आपको चेक कराता हूँ, दो नंबर पर हमारा इग्निशन पर यहाँ पर करंट आ रहा है, एक नंबर पर हमारा ग्राउंड आ रहा है, ये दोनों वायरें ECM से आ रही हैं। एक नंबर पर 12 वोल्ट हैं और दो नंबर पर 12 वोल्ट हैं और एक नंबर पर हमारा डायरेक्ट ग्राउंड आ रहा है। अब इस ग्राउंड की वायर को भी हमने चेक करना है जी, वो कैसे चेक करना है मैं आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। ये वो मेथड है जो कि सालों साल मेहनत करके एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, लेकिन आप दोस्तों के साथ आपको 5-10 मिनट में वो सारा कुछ जो हमने सालों मेहनत करके सीखा होता है वो आपको ईजिली हम बता देते हैं कि यार इस तरीके से चीज़ें डायग्नोज करती हैं। और मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कोई भी स्टेप मिस ना हो। ठीक है, तो काइंडली आपसे भी अपील करता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। यहाँ पर आपने करना क्या है, एरर आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर एरर ये हमारे आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे जी एक्चुएशन टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक कूलर अपना जो वाटर पंप है, यहाँ पर थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक वाटर पंप पर जाएंगे, ओके करेंगे। नॉन मोनिटरिंग डाटा, कोई हमें कोई चीज़ मोनिटर नहीं करनी, साथ में हम इसके RPM करेंगे। देखें यहाँ पर अभी हमारा ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, एक नंबर पर जो ECM से वायर आ रही है। जैसे इसको मैं ग्राउंड पर करूँगा, इसको 3000 RPM पर टेस्ट करूँगा तो उसका ग्राउंड रुक रुक के आएगा। ये देखें जी, ये पल्स की सूरत से PMW की सूरत में ये आ रहा है जो कि ड्यूटी साइकिल सर्किट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा सर्किट जो है वो ऑपरेट होता है। ठीक है, अभी इट्स मीन कि हमारी वायरिंग जो है वो 110% ओके है, हमारा फॉल्ट जो आ रहा है ये इलेक्ट्रिक कूलेंट वाटर पंप ख़राब है। अब बहुत से दोस्त कहेंगे कि भाई इतना सारा समझाने की ज़रूरत क्या है, ये कोड आती है वाटर पंप की वजह से ख़राब होता है, बस बदलो, क्योंकि बहुत से सीनियर भी दोस्त होते हैं ना। तो बात करने का मकसद ये है कि जो नए आ रहे हैं, जो अपनी गाड़ी पर काम खुद करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सारा डायग्नोज करना मेरे पर भी फ़र्ज़ है और मुझे बताना भी अच्छा लगता है, ताकि अगर किसी को बात बताओ तो फिर पूरी बतानी चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी डायग्नोस्टिक मैंने आपके सामने की है और सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे वायरिंग 110% ओके, हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है इसके जो इलेक्ट्रिक वाटर पंप है इसमें आ रहा है। तो इसको खोलते हैं जी इंशाल्लाह और इसको रिप्लेस करते हैं। ये जी इसका पुराने वाला आप देख रहे हैं जो कि स्टक हो चुके हैं, और यहाँ पर आप वाटर स्पॉट भी देख रहे होंगे, और ये जी अभी हमारा नया आ चुका है, तो इसको अभी लगाते हैं और आपको चेक कराते हैं। वाटर पंप प्लेस हो चुका है, अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका पानी वगैरह आपने लाजमी तौर पर पूरा करना है, और बाद में इसका ऑटो फैन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें वो आपने चेक करनी है। तो अभी चलते हैं जी चेक करते हैं सब चीज़ों को जी। तो ये जो एरर आए थे इसको हम क्लियर करते हैं सारे को, तो एरर इज गॉन, यहाँ से दोबारा रीड करेंगे।
अभी चले गए हैं। यहाँ पर हम जो कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी, उसमें हमारा कूलेंट टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और दो चीज़ें सेट करनी है, वो जी इलेक्ट्रिक है जी हमारा वाटर पंप है, उसकी स्पीड और टारगेट स्पीड, फ़ैन की भी स्पीड आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ चीज़ें जी जो मैंने फिलवक्त की हैं, गाड़ी को स्टार्ट की है, गाड़ी रेडी पर है, ये आप रेडी देख रहे हैं, इट्स मीन कि गाड़ी हमारी अभी स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक वाटर पंप की स्पीड इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इंजन के अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी टेम्परेचर भी उसके हिसाब से नहीं है और गाड़ी ना तो रनिंग में है और गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अभी ईवी पर है, इलेक्ट्रिक पर है, तो वैसे तो उसको रेस देंगे तो गाड़ी जो है हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखें टारगेट स्पीड उसने 925 लिखी है और यहाँ पर 950 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल अभी प्रॉपर हमारा इलेक्ट्रिक वाटर पंप काम कर रहा है। पहले मैंने आपको चेक कराया था कि पहले इसमें मसला ये आ रहा था कि इसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो थी, यानी शो चल ही नहीं रहा था क्योंकि वो स्टक ज़्यादा स्टक हो चुका होता। तो अभी इसको 96 पर करके इसका ऑटो फैन वगैरह चेक करके फिर इसका रोड टेस्ट करते हैं और फाइनली हमारी गाड़ी जो प्रॉब्लम थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सॉल्व हो चुकी है। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हर चीज़ मैंने हर स्टेप मुकम्मल एक्सप्लेन किया, तफसील से सारी चीज़ें आपके साथ बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से चेक करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप दोस्तों के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, लाइक करने पर कोई पैसे वगैरह नहीं लगते आपके, ठीक है। लाइक करने से इतना हमें हौसला मिल जाता है कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये वीडियोज़ या ये कंटेंट जो हम बनाते हैं ये पसंद आता है और इस तरह का हम आगे भी बनाते रहें ताकि लोगों का फ़ायदा, और उसे के अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे रीच बढ़ती है चैनल की, और रीच बढ़ेगी तो बहुत से दोस्तों का और दोस्तों का फ्री में फ़ायदा हो जाएगा, सही है। तो आपकी वजह अपने समय लेके आप अपनी तरफ से किसी का फ़ायदा करना चाह रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।